फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैड डिजाइन एक्सीलेंस। तो फ्रेंड्स, दिस इज अवर ऑटो कैड पार्ट टू एंड इसमें हम जानेंगे हाउ टू यूज ऑटो कैड। ऑटो कैड की दो और तीन वर्ड्स की कौन सी कमांडें होती है। ऑटो कैड बेसिक आप इसे बोल सकते हैं एंड ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। एंड शॉर्टकट की क्या क्या है ऑटो कैड की, मोस्ट यूजफुल ऑटो कैड कमांड्स कौन कौन सी होती है एंड ऑटो कैड कमांड ट्यूटोरियल बोल सकते हैं। एंड इसमें हम ये भी जानेंगे कि कीबोर्ड की शॉर्टकट की कौन सी है ऑटो कैड के अंदर जो हम यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था सिंगल वर्ड्स की कमांडे एंड फंक्शन कीज। सो ये हमारा पार्ट टू है, तो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें ADC। ओके, क्लिक करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे ये एक डिजाइन सेंटर इसको बोलते हैं, ये एक विंडो खुल के आ गई है। इसमें क्या होता है, जैसे कभी हमें कुछ बोल्ट्स वगैरह स्टैंडर्ड नट्स वगैरह यूज करने हो तो हम उसको इससे यूज कर सकते हैं। जैसे इसको उठा के हम इधर रखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आ गया है। ओके, इसको फिर हम बाद में स्केल करके अपने हिसाब से, अपनी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारी है पहली कमांड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आता है AA एंटर। ये होता है एरिया के लिए। इसके लिए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बना लिया AA एंटर। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास ये हमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट एड एरिया सब्ट्रैक्ट एरिया, तो हम डालेंगे इसमें O एंटर और इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे इसने इस रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर बता दिया है। ठीक है ना, तो ये कमांड यूज होती है बेसिकली कुछ एरिया वगैरह अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम इस कमांड को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है AL अलाइन, AL एंटर। इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमें अलाइन करना है किसी लाइन के साथ, उसमें हम इसको यूज करते हैं। जैसे अभी हम एक लाइन लगा लेते हैं, जैसे हमने एक लाइन लगा ली है। ठीक है, AL एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट क्लिक, फर्स्ट सोर्स पॉइंट, क्लिक हेयर एंड हेयर। ओके, नाउ सेकेंड, इधर और इधर, इसको करेंगे यस। तो आप देखेंगे हमारा रेक्टेंगल जो अभी सीधा था इस लाइन के साथ अलाइन हो गया है। ओके, वापिस इसको अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है एरे, AR एंटर। तो ये सबसे पहले पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। एरे मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें सेम कॉपी करना है आगे लाइन में एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो हम एरे कमांड का यूज करते हैं। जैसे अभी हम देख लेते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट क्लिक। अब आप देखेंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन इसमें आ रहे हैं रेक्टेंगल। अभी हम रेक्टेंगल को देख लेते हैं। अभी देखेंगे ये इसने कॉपी कर दिया है इनको और हमसे ये यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ग्रिप टू एडिट ऑफ एरे। ओके, अगर हमें कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जाएंगे कॉलम हमें कितने चाहिए, अभी यहाँ पे चार आ रखे हैं, अभी हमें चाहिए तीन, तो हम यहाँ करेंगे 3 एंटर। तो देखेंगे हमारा एक कॉलम कम हो गया है। स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, डिस्टेंस कितना चाहिए हमें बीच का, अभी यहाँ पे देखेंगे 54 अभी आ रहा है। ओके, हम यहाँ पे इसे कर देते हैं 60 मिलीमीटर। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे हमें रो चेंज करनी है तो हम इसको आर एंटर करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, जैसे अभी 3 है तो हम इसको कर देंगे 5। तो इस तरीके से इसको करेंगे एंटर। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारा एरे कमांड किस तरीके से यूज होता है ऑटो कैड के अंदर। ओके, सो ये है। अब नेक्स्ट है इसमें BH एंटर। बी वाले पोर्शन में अब हम आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये एक हैच ही है, इसका सेकंड आप बोल सकते हैं, ये BH से भी हैच हमारा होता है। एक पॉइंट करना है, क्लिक करेंगे एंटर करेंगे। ओके, ठीक है, सेम हैच की तरह यूज होता है। नेक्स्ट है ब्रेक, BR एंटर। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है, जैसे हमें इसे ब्रेक करना है, क्लिक करेंगे
और जितना ब्रेक करना है सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं, सी एच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टूल खुल के आ जाएगा। जैसे अभी हमें इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज हो जाएगा, इसकी थिकनेस चेंज करनी है थिकनेस चेंज हो जाएगी, ठीक है, और लाइन स्केल अगर हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी टूल होता है हमारा। नेक्स्ट है चैम्फर, सी एच ए एंटर चैम्फर, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, ये देखेंगे आप यहाँ पे ये खुल के आया है। ओके, डिस्टेंस सबसे पहले इसमें हम मांग रहा है डी, एंटर करेंगे। ओके, और डिस्टेंस डालेंगे, जैसे हम डाल देते हैं अभी 10x10। ओके, क्लिक करेंगे, ये हमारा एरे है इसलिए इसमें नहीं हो रहा है, इसके लिए हम दूसरा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ओके, सी एच ए एंटर, ये देखेंगे हमारा चैम्फर हो गया। ओके, इसमें और भी ऑप्शन हमारे पास है, जैसे ट्रिम, अभी हम इसे, अभी आप देखेंगे ये हमारा चैम्फर तो हो गया बट ये ट्रिम नहीं हुआ है। ओके, तो इसको ट्रिम कर देंगे, सो यस और नो, तो हम यहाँ पे करेंगे ट्रिम, क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो देखेंगे हमारा चैम्फर हो गया है और बाकी हिस्सा अपने आप ही ट्रिम हो गया है। ओके, सो ये चैम्फर कमांड है हमारी। नेक्स्ट है सी ओ एल एंटर कलर टेबल, ये कलर टेबल है, जो भी हमारे इसके अंदर कलर यूज होते हैं और किस तरीके से उनका यूज़ था, लेयर के अंदर बेसिकली इनका यूज़ होता है, ठीक है, और जैसे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को जो कलर देना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं लेयर से। ओके, नेक्स्ट आता है सी ओ एंटर कॉपी, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पिक पॉइंट पकड़ेंगे और जितनी भी हमें कॉपी करनी है, जितनी भी डिस्टेंस पे हमें कॉपी करनी है उतना हम उसको क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, एंगुलर डायमेंशन अगर हमें कहीं पे देनी है तो उसके लिए होता है डी ए एन एंटर एंगुलर डायमेंशन, जैसे हमें ये एंगल डायमेंशन देनी है तो हम इसको ऐसे दे सकते हैं। ओके, और अगर इसको कोई आर्क है हमारी, आर्क की अगर हमें डिस्टेंस देनी है तो हम उसको किस तरीके से देंगे, जैसे उसके लिए हम पहले एक आर्क लगा लेते हैं, ये हम आर्क लगा लिया, ठीक है, अब इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे डी ए आर एंटर, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारी इस आर्क की लेंथ डिस्टेंस जो भी आप कहें वो दिखा देगा। ओके, नेक्स्ट है डी बी ए, डी बी ए एंटर, इसमें क्या होता है कि एंगुलर डायमेंशन अगर हमने कोई दी हुई है उसके नेक्स्ट कंटिन्यू अगर हमें कोई एंगुलर डायमेंशन देनी है तो ये अपने आप उस पॉइंट को पिक कर लेगा, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे हमने एंगुलर डायमेंशन दी हुई थी तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए तैयार है। ओके, नेक्स्ट है अगर हमें कोई सर्कल है उसका पॉइंट अगर हमें दिखाना है तो हम इस कमांड को यूज करेंगे, जैसे अभी हम एक कोई सर्कल लगा लेते हैं, ये डी सी ई एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आप देखेंगे उस सर्कल का सेंटर पॉइंट इसने मार्क कर दिया है। ओके, तो सेंटर दिखाने के लिए डी सी ई एंटर। ओके, और नेक्स्ट आता है हमारा अगर कोई हमने लीनियर डायमेंशन दी हुई है इस तरीके से, अगर हमें उसको कंटिन्यूस करना है तो उसके लिए होता है डी सी ओ एंटर, आप देखेंगे हमारी लीनियर डायमेंशन कंटिन्यू होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है डिस्टेंस, जैसे डी आई एंटर, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर नापनी है और हमें डायमेंशन नहीं देनी है तो हम इस कमांड का यूज करेंगे डी आई एंटर, क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये अपने आप इसके लेंथ यहाँ पे भी दिखा रहा था और यहाँ पे भी ये दिखा रहा है, ठीक है, एंगल वगैरह लेंथ सब यहाँ पे दिखाएगा ये इसकी। ओके, नेक्स्ट आता है डिवाइड, एक हम लाइन लगा लेते हैं उसके लिए, ये लाइन हम लगा लेते हैं 200 मिलीमीटर की। ओके, नेक्स्ट आता है डिवाइड, डी आई वी एंटर, अगर हमें किसी लाइन को डिवाइड करना है, किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लाइन पे क्लिक करेंगे एंड उसको कितने सेगमेंट पे हमें डिवाइड करना है, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे 5 एंटर,
तो आप देखेंगे ये लाइन पांच पॉइंट्स में डिवाइड हो गई है। इसके लिए हम डायमेंशन देके देख सकते हैं, ये देखेंगे 40, तो ऐसे ही पांच बार में डिवाइड हो गई है। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर हमें कोई रेडियस नापना है, जैसे अभी ये रेडियस इस सर्कल का, अगर हमें रेडियस नापना है, डी आर ए एंटर। आप देखेंगे जैसे जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो ऑटो कैड इसमें हमारे पास ऑप्शन भी हमें दिखाता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर जैसे अभी हम दिखाएंगे, जैसे डी हमने टाइप किया तो डी की सारी कमांड आ गई। अभी हम आर टाइप करेंगे तो डी आर के साथ जो कमांड होती है, जैसे हम यहाँ से ए बिना टाइप करे भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ओके, क्लिक करेंगे और एक क्लिक और करेंगे तो आप देखेंगे इसने इसकी रेडियस मेंशन कर दी है। ओके, नेक्स्ट आता है डी एस एंटर। इसमें क्या है, ड्राफ्टिंग सेटिंग से बोलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ये आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट स्नैप है। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, वो सब हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, पोलर ट्रैकिंग वगैरह है, स्नैप ग्रिडिंग है, 3D ऑब्जेक्ट डायनेमिक, ये सब इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसकी शॉर्टकट की हमारे पास है डी टी एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले स्टाइल पूछ रहा है, स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये अपने आप इसको टेक्स्ट को ले लेगा। जो भी हमें लिखना है यहाँ पे वो हम लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से सिंगल लाइन टेक्स्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं हम, ई पोर्शन में। उसमें आता है हमारा फर्स्ट ई डी एंटर। टेक्स्ट को अगर हमें एडिट करना है, जैसे भी आप देखेंगे हमने ये टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे, इसको अगर हमें एडिट करना है या कुछ भी इसमें नया ऐड करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इलिप्स, ई एल एंटर। अगर हमें इलिप्स बनाना है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, जैसे अभी हम एक्सिस का एंड पॉइंट एक मांग लेते हैं, ये डिस्टेंस मान रहा है जैसे 100। ओके, एंड इस ये वाली डिस्टेंस मांग रहा है दूसरी वाली, इसको हम कर देते हैं 25। ओके, तो इस तरीके से हम एलिप्स बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है, अगर हमें पीडीएफ बनाना है, ई पी डी एफ एंटर, तो आप देखेंगे फाइल हमारी एज ए पीडीएफ बन जाएगी। ओके, बट हमें अगर पीडीएफ बनाना होता तो हम नॉर्मली प्रिंट में जाके वहाँ पे सेटिंग्स वगैरह सब होती है, वहाँ से हम पीडीएफ बनाते हैं। ओके, और वैसे इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू प्रिंट इन ऑटोकैड और हाउ टू मेक पीडीएफ इन ऑटोकैड, सो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक्सटेंड, जिस जैसे अभी हम देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ओके, ई एक्स एंटर। कोई भी हमें लाइन को एक्सटेंड करना है, आप देखेंगे जैसे मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, ये लाइन अपने आप इसको एक्सटेंड कर देगा। ओके, इस तरीके से, इस तरीके से जैसे नेक्स्ट करते रहेंगे जो भी नेक्स्ट पॉइंट इसको मिलता रहेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी हमारा पॉइंट नहीं है नेक्स्ट, तो इसलिए यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो रहा है। ओके, ये भी इधर भी कोई पॉइंट नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है इसलिए यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एग्जिट। एग्जिट टाइप करेंगे तो हमारी ड्राइंग क्लोज हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये सर्कल है, हमें इसको ग्रेडियंट देना है लुक, तो हम करेंगे जी डी एंटर। इस तरीके का अगर हमें इसे लुक देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं, एक तरीके के हैच ही है, जैसे हैच ये हमारी होती है नॉर्मली और ये ग्रेडियंट होता है हमारा। एक पॉइंट करेंगे और एंटर करेंगे, यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई और कलर चाहिए तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट टूल है। नेक्स्ट है हमारा हैच एडिट। अगर हमें कोई हैच को एडिट करना है, जैसे यही है भाई हमारे, हमने हैच करी है, इसको अगर हमें एडिट करना है तो एच ई एंटर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें हम वापस एडिट बटन में चले गए हैं हैच में। और अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं सिंपली, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एल टूल, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट एल ए एंटर। काफ़ी यूजफुल कमांड है ये,
लेयर इसमें हम बनाते हैं। कोई भी अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं ऑटोकैड के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि हमें लेयर बनानी होती है। कोई भी असेंबली अगर हम बेसिकली बना रहे हैं ऑटोकैड में, तो उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स लगे होते हैं, तो उन पार्ट को अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग कलर में अलग अलग हैचिंग को और लाइन टाइप भी अलग अलग दिखानी है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे एक यहाँ पे सेंटर लाइन करके एक मैंने लिया हुआ है लेयर को, एक के डायमेंशन को भी लिया हुआ है, इसका कलर ये दी सियान दिया हुआ है, इसको रेड दिया हुआ है जो भी 14 कलर है। ओके, यहाँ से लाइन टाइप है ये, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं सेंटर लेना है हमें कौन सा लेना है। जैसे अभी ये वाली लाइन है, इसको हमें नॉर्मली लाइन लेना है या हिडन लाइन लेना है, वो भी हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, थिकनेस हमें देनी है तो वो भी हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। प्रिंट में अगर हम चाहते हैं लाइन आए ना आए, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। लॉक करना है, फ्रीज करना है, ऑन करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अभी हम एक सेंटर लाइन लगा लेते हैं, तो अब देखेंगे हमने सेंटर लाइन लिया है और सिंपली एक लाइन लगाई है, देखेंगे सेंटर लाइन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेयर में जाके इसको सेंटर लाइन लाइन की प्रॉपर्टी को सेंटर लाइन किया हुआ है। ओके, अभी जैसे वापस से इसमें चले जाते हैं, इसको हम कर देते हैं प्लॉट ऑफ। ओके, एंड यहाँ से करते हैं क्लोज। तो अगर हम प्रिंट देंगे इसका, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ से प्रिंट देते हैं इसको, इसको प्रीव्यू करते हैं, एक विंडो बना लेते हैं पहले इस तरीके से। तो आप देखेंगे हमारी वो लाइन नहीं आ रही है जो सेंटर लाइन हमने मार्क करी थी, वो यहाँ से यहाँ पे नहीं आ रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने वहाँ पे उसको प्लॉट में ऑफ कर दिया है। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ से ऑन कर देंगे तो अब ये प्रिंट में आएगी लाइन। तो बेसिकली इसका यूज यही होता है कि कई बार हमें कुछ लाइनें नहीं चाहिए होती है प्रिंट में, या कुछ लाइनें हम नहीं दिखाना चाहते हैं ड्राइंग में, तो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, और लाइन का टाइप चेंज कर सकते हैं, लाइन की थिकनेस दे सकते हैं एज पर जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट है लीडर लाइन। अगर हमें कोई डायमेंशन हम देते हैं एंगल पे, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे LE सेंटर। अभी आप देख रहे हैं ये सेटिंग पूछ रहा है यहाँ पे, इसको सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंटर। अब हम ये इस मेनू में आ गए हैं। फर्स्ट इसमें है इस तरीके का टेक्स्ट चाहिए, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। लीडर लाइन जो चाहिए हमें, फर्स्ट सेगमेंट हमें 30 डिग्री एंगल पे चाहिए, सेकंड सेगमेंट हमें ओरिजिनल चाहिए। ओके, अटैचमेंट वगैरह है, बेसिकली इसी का यूज़ होता है ज़्यादा। स्ट्रेट चाहिए, स्प्लाइन चाहिए, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम ओके करते हैं। ओके, अभी हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लाइन एंगल पे आ रही है। ओके, क्लिक करेंगे एंड एक क्लिक हॉरिजॉन्टल वाला, एंटर, डबल एंटर, और हम यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरीके से। ओके, उसको चेंज करना है तो हम हाइट कम ज़्यादा करनी है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसको भी हम कर देते हैं 25, एंड इसकी कलर चेंज करना है सब कुछ, वो हम यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है लेंथन। अगर हमें किसी लाइन की लेंथ बढ़ानी है, जैसे भी ये लाइन है, इसकी अगर हमें लेंथ बढ़ानी है, तो LEN एंटर, टोटल एंटर, एंड हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है 500, जैसे भी दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंटर एंड लाइन पे क्लिक करेंगे, तो देखेंगे लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई है 500 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट आता है LI एंटर, इस लाइन पे क्लिक करेंगे एंड एंटर, राइट क्लिक। सो इसमें क्या है, ये इसकी पूरी लिस्ट है। ये आप देखेंगे जैसे यहाँ पे दिख रहा है लाइन है, लेयर कौन सी लेयर के अंदर है, कौन से स्पेस में है, मॉडल, ये भी हमारा मॉडल है, ये लेआउट है, कौन से स्पेस में है ये। ओके, लेंथ कितनी है इसकी, और सब डिटेल्स इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ओके, सो ये लिस्ट कमांड है। नेक्स्ट है हमारा लेआउट, LO एंटर। अभी हमें जैसे कोई न्यू लेआउट बनाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, लेआउट का नाम रखेंगे लेआउट 3। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लेआउट का टैब ऐड हो गया है। ओके,
अगर हमें लेआउट की टैब को ऐड करना है तो बेसिकली इस कमांड का यूज होता है। ओके नेक्स्ट है हमारा LT एंटर लाइन टाइप। ये हमारा लाइन टाइप मैनेजर है, इसके अंदर जितनी भी टाइप की लाइन होती है वो सब यहाँ पे शो होती है। जैसे हम यहाँ से लोड करेंगे तो देखेंगे अब जितनी भी लाइनें हैं वह यहाँ से सबको कंट्रोल ले करके इसको लोड कर सकते हैं। इसको करेंगे हम इस तरीके से, ये सारी लाइनें हमारे यहाँ पे लोड हो गई हैं लाइन टाइप मैनेजर के अंदर से। ओके नेक्स्ट है हमारा LTS एंटर। अभी हमारी कोई लाइन है मान लीजिए, उसका अगर हमें स्केल चेंज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे अभी हमें इसका स्केल करते हैं, हमें 2 गुना या 4 गुना जो भी, हम 4 गुना कर लेते हैं एंटर। अब देखेंगे इसका स्केल चेंज हो गया, कंट्रोल जेड करते हैं देखेंगे। ओके तो इस तरीके से हमारा लाइन स्केल कमांड यूज होता है। ओके नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं, एम पोर्शन में। उसमें फर्स्ट है हमारा MA एंटर मैच प्रॉपर्टी। इस तरीके से जैसे हमें इसको इस तरीके से मैच करना है तो हम इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये अपने आप उसी लेयर और टाइप और कलर वगैरह सब इसका चेंज हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है MEA एंटर वेरी यूजफुल कमांड बोल सकते हैं आप इसको। जैसे कुछ भी आपको मेजर करना है उसको लेके सिंपली उसके पास जाएंगे इस तरीके से। जैसे लेंथ 500 है, इसके पास जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी लेंथ भी दिखा रहा है, एंगल भी दिखा रहा है। जैसे भी यहाँ जाएंगे तो इसका लेंथ और ये एंगल वगैरह, 56 का ये एंगल है, 78 का ये एंगल है, 136 का ये वाला एंगल है, तो काफ़ी यूजफुल बोल सकते हैं। आपको सिंपली कमांड लेनी है और उसको ड्रैग करते हुए जो भी आपको नापना है उस पर लेके उसको जाना है। ठीक है नेक्स्ट है इसमें हमारा मिरर। उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं इस तरीके से, एक लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से। ओके MI एंटर मिरर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है। अब किस लाइन के अराउंड हमें इसको मिरर करना है उस लाइन पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड। अब ये हमसे ये दो ऑप्शन पूछ रहा है, ये हमें जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करना है या नहीं करना है। जैसे हम अभी यस कर देते हैं तो आप देखेंगे जो हमारा सोर्स था वो डिलीट हो गया है। ठीक है अगर हमें नहीं करना है तो उसको हम नो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ML एंटर मल्टी लाइन। इस तरीके से मल्टी लाइन, अभी जैसे 10 का स्केल इसमें डाला हुआ है, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दो लाइनें एक साथ ड्रॉ हो रही हैं 10 मिलीमीटर के गैप पे। इस तरीके से अगर हमें चाहिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए इस तरीके से तो हम यहाँ इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंथ वगैरह इसकी डाल सकते हैं जितनी भी हमें चाहिए, बट अगर हमें डिस्टेंस चेंज करना है तो भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट इसमें है MO एंटर, ये फिर मैच प्रॉपर्टी। इसकी काफ़ी सारी इसके अंदर सेम कमांडें हैं, जैसे ये अभी हमने पहले भी देखा था, जैसे CH कमांड के अंदर हमने इसको यूज़ किया था ऐसे ही। MO एंटर मीन्स प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट है इसमें MT एंटर करेंगे इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट। अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है सिंपली जाएंगे विंडो बनाएंगे जितने भी एरिया में हमें लिखना है और उसको हम लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है सेम टेक्स्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं ओ पोर्शन में, इसमें आता है OP एंटर। ये है सबसे इसे भी यूजफुल कमांड आप बोल सकते हैं, काफी यूज होने वाला है इसका भी। जैसे सबसे पहले फाइल है, फिर डिस्प्ले है। जैसे अभी हमारा डिस्प्ले है, इसका अगर हमें कलर चेंज करना है, डार्क करना है, लाइट करना है, यहाँ से कलर चेंज करना है इसका, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर वैसे एक वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने, उसका लिंक भी आपको मिल सकता है। ओके प्लेलिस्ट के अंदर इसमें जैसे ओपन एंड सेव है, इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि जैसे अभी हमारी ये फाइल 2021 में है
और हमें ये किसी को भेजनी है फाइल, और उसके पास 2021 वर्जन नहीं है, तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको 2000 कर देंगे, तो 2000 के जितने भी वर्जन तक ये ड्राइंग आराम से खुल जाएगी। प्लॉट एंड पब्लिश, प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट करना है, सिस्टम, अभी जैसे देखेंगे ड्राफ्टिंग का, ये स्नैप की साइज वगैरह चेंज करना है, अभी जैसे मैंने चेंज किया हुआ है अपनी ड्राइंग के अंदर। सिलेक्शन का पॉइंट चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है साइज में, या उसका कलर चेंज करना है, जैसे भी रेड है इसको येलो कर देना है, जो भी कुछ है हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, देखेंगे अभी हमारा जो रेड आ रहा था वो हमारा ये येलो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं, पॉलीलाइन, पीई एंटर। इसके लिए हमें एक पॉलीलाइन बनानी पड़ेगी, उसके लिए भी शॉर्टकट कमांड है हमारे पास, पी एल एंटर। तो ये हमारा पॉलीलाइन बन गई है इस तरीके से, ये तो ये हमारी पॉलीलाइन बन गई है। जैसे नेक्स्ट अभी हम देख रहे थे पीई एंटर, पॉलीलाइन एडिट, जैसे हमें इसको करना है क्लोज, तो हम क्लोज पे करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें पॉइंट। अगर हमें कोई पॉइंट लेना है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम उसको ले सकते हैं, पी ओ एंटर, जितने पॉइंट हमें चाहिए उतने पॉइंट हम ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अगर हमें पॉलीगन बनाना है, तो उसकी शॉर्टकट की हमारे पास है पी ओ एल एंटर, पॉलीगन। पहला ऑप्शन आता है नंबर ऑफ साइड, जैसे अभी हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, एंटर। सेंटर पूछ रहा है, और सर्कल के अंदर चाहिए या सर्कल के बाहर चाहिए, वो हम यहाँ से और डिस्टेंस डाल के भी इसको कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीगन हो गया। नेक्स्ट फिर हमारा आता है पी आर एंटर, प्रॉपर्टी। अब आप देखेंगे ये फिर से कमांड आ गई है, सी एच हमारी एक कमांड थी शॉर्टकट की, उसमें भी था ये, एम ओ में भी था, एंड पी आर प्रॉपर्टी सेम यूज होता है इसका, अभी पीछे बताया था। नेक्स्ट है प्रिंट, अगर हमें प्रिंट देना है तो सिंपली टाइप कर सकते हैं प्रिंट, नहीं तो इसका टूल भी होता है हमारे पास, ये वाला प्रिंट, प्रिंट का ऑप्शन खुल के आ गया है। इसमें प्रीवियस प्लॉट करेंगे और इसमें प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, अभी हमारा कोई प्रिंटर नहीं है इस पे, तो इसको पीडीएफ कर सकते हैं हम। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू मेक प्रिंट और पीडीएफ, सो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे विंडो बनाएंगे, ओके, एंड लैंडस्केप करेंगे, सेंटर टू प्लॉट करेंगे, एंड प्रीव्यू देखेंगे, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये प्लॉट स्टैम्प है, ये वाली, ये होता है कि कहाँ पे हमारी ड्राइंग सेव है, ये उसकी लोकेशन हमें दिखाता है। जैसे विम प्रीव्यू करेंगे तो अभी देखेंगे ये ड्राइंग हमारी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव है, ये टाइम भी दिखा रहा है इस पे, जो अभी टाइम हो रहा है। ओके, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन इसलिए कर लेते हैं, कई बार हमें खुद याद नहीं रहता कि हमारी ड्राइंग कहाँ पे सेव है, तो हम हार्ड कॉपी में जाएंगे तो वहाँ से हम इसकी लोकेशन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज ये होता है। ओके, नेक्स्ट है पी यू एंटर, पर्ज। पर्ज में क्या होता है, ये भी काफ़ी यूजफुल आप कमांड इसको बोल सकते हैं। अभी क्या है, हमारी ड्राइंग ये छोटी सी बनी हुई है, अगर काफ़ी बड़ी ड्राइंग होती है, लेआउट ड्राइंग वगैरह होती है, तो उसमें हमें पर्ज कमांड का यूज़ करना होता है, कई बार एक्स्ट्रा लेयर इसमें आ जाती है तो वो उससे हट जाती है, पर्ज कमांड, पी यू एंटर से। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है कैलकुलेटर, अगर हमें चाहिए, क्यू सी एंटर, ये इस तरीके से कैलकुलेटर खुल के आ जाता है, जो भी हमें करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। साइंटिफिक भी है, यूनिट कन्वर्सेशन भी है, अगर हमें चेंज करना है जैसे भी मीटर से इसको करना है इंच में, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दे हैं, तो आप देखेंगे ये इसने 12 मीटर को इंच में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस तरीके से भी इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट है क्यू टी, क्विक प्रॉपर्टी। अभी जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट की सिंगल प्रॉपर्टी देखनी है, तो इस पर क्लिक करेंगे और एंटर, तो ये देखेंगे इसने इसकी प्रॉपर्टी दिखा दी है, ये पॉली लाइन से बना है जो भी हमने बनाया था, इसका कलर क्या है, सेंटर लाइन लेयर है इसकी,
लाइन टाइप किस तरीके से है और सब कुछ इसके अंदर प्रोफाइल क्लोज है नहीं है वो भी यहाँ से दिखा देगा। तो क्विक प्रॉपर्टी अगर हमें करना है किसी ऑब्जेक्ट का तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है आर ई एंटर रीजन, इसका भी काफ़ी यूज होता है हमारे पे ऑटो कैड के अंदर। कई बार क्या होता है कि ड्राइंग काफ़ी बड़ी बनती है तो उसमें क्या होता है कि हाइट पीक एंड वैलीज बोल सकते हैं हम उनको, वो बन जाते हैं तो उसको एक लाइन में करने के लिए इससे हम कर सकते हैं इसको। ठीक है तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पोर्शन आर आर ई सी एंटर रेक्टेंगल। कोई भी अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है तो वो हम यहाँ से बना सकते हैं, टूल भी इसका यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल हम आर ई सी एंटर, इसमें पहले पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, यहाँ से हम डायमेंशन भी दे सकते हैं जैसे डी एंटर कितनी हमें लेंथ चाहिए 100 एंड इसको करते हैं 500। तो आप देखेंगे ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है 100 एंड 500 का। सो इसमें और भी ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगल में आर ई सी एंटर। सो जैसे हमें चैम्फर चाहिए चारों कोनों में तो चैम्फर पे क्लिक करेंगे, डिस्टेंस डालेंगे जैसे अभी डाल देते हैं 15 बाई 15 की हमें चैम्फर चाहिए, क्लिक करेंगे और इस तरीके से डायमेंशन देके इसको हम रेक्टेंगल को बना सकते हैं विद चैम्फर। ओके सो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट है हमारा रीनेम, अगर हमें रीनेम करना है जैसे आर ई एन एंटर, इसमें क्या होता है हमारी लेयर्स और डायमेंशन टाइप वगैरह ब्लॉक्स वगैरह को अगर हमें रीनेम करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी हम लेयर को रीनेम करके देखते हैं, सेंटर लाइन है हमारा इसको हम कर लेते हैं सी ई एन। ओके ओके अब जाके देखते हैं इसको यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये लेयर यहाँ से ये चेंज हो गई है, लेयर रिनेम हो गई है। ओके तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटेट, कोई ऑब्जेक्ट हमें अगर रोटेट करना है आर ओ एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट क्लिक पिक द बेस पॉइंट एंड रोटेट इस तरीके से। अभी आप देखेंगे अगर हमें कॉपी करना है मतलब ये वाला रेक्टेंगल भी हमें चाहिए और रोटेट वाला भी चाहिए तो यहाँ कॉपी कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसको एंगल दे सकते हैं जितने भी एंगल पे हमें इसे रोटेट करना है, जैसे अभी हम 45 दे देते हैं इस तरीके से, तो ये रेक्टेंगल हमारा रोटेट हो गया 45 डिग्री पर। ओके नेक्स्ट इसमें है स्केल एस सी एंटर, अगर हमें ऑब्जेक्ट को स्केल करना है जैसे अभी हमें इस रेक्टेंगल को स्केल कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करेंगे बेस पॉइंट पकड़ेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे कितना हमें इसे स्केल चाहिए, जैसे अभी हम यहाँ 2 कर देते हैं तो ये डबल स्केल हमारा हो गया है। ओके नेक्स्ट है हमारा स्पेलिंग, अगर हमें चेक करनी है ओके तो एस पी ये स्पेल एंटर, तो एंटायर ड्राइंग के अंदर हमें करना है स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे ये जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है उसको पिक करेगा और हमसे ये उसका सजेशन भी हमें देगा कि हमें क्या इसमें रखना है इसको, अगर हमें रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। अगर एक ही टेक्स्ट को कई बार लिखा हुआ है हमने कहीं पे तो चेंज ऑल भी हम कर सकते हैं, अगर हमें इग्नोर करना है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके जैसे हम इसको चेंज कर देते हैं तो ये देखेंगे ये चेंज हो गया है। अभी ये है सजेशन इसने दिया है ई एल पी हमने कहीं लिखा हुआ है तो इसको ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ ठीक है इसको हम हेल्प कर देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं और ये कंप्लीट हो गया तो इसको ओके कर देंगे एंड क्लोज। तो आप देखेंगे ये हमारा टेक्स्ट वगैरह सब हमारा स्पेलिंग चेक हो गई है। ओके नेक्स्ट है हमारा एस टी एंटर, टेक्स्ट स्टाइल है ये, अगर हमें कोई अपना स्टाइल अभी जो चल रहा है अभी स्टैंडर्ड टेक्स्ट का स्टाइल चल रहा है अगर हमें कोई नया बनाना है तो हम वो यहाँ से बना सकते हैं, जैसे न्यू करेंगे टेक्स्ट नेम रखेंगे और यहाँ से फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे हाइट वगैरह सेलेक्ट करके हम यहाँ से कर सकते हैं इसमें। ठीक है नेक्स्ट है टेबल टी बी एंटर, इसमें क्या है कि हमें कोई टेबल वगैरह नहीं है बीओम के लिए या कोई हमें अगर टाइटल ब्लॉक बनाना है तो हम वो यहाँ से बना सकते हैं, इसके लिए भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल सकता है
उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे टेबल को बनाते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कॉलम वगैरह, कॉलम की विड्थ क्या देनी है, रो कितनी चाहिए, कितनी हाइट वगैरह चाहिए, तो हम यहाँ से इसको देख के बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है इसमें डायमेंशन का, अगर टेक्स्ट है उसको अगर हमें एडिट करना है तो उसके लिए है TED एडिटर। ये हमने कोई डायमेंशन दी हुई है, जैसे ये दे रखी है, इसको अगर हमें एडिट करके लिखना है, हम चाहते हैं कि 25 हम इसको लिखें, तो हम इस तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं। TED एंटर एंड क्लिक द डायमेंशन, और उसको चेंज कर देंगे जो भी हमें चेंज करना है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें टॉलरेंस। अगर हमें कोई ज्योमेट्रिक टॉलरेंस देनी है तो उसके लिए है TOC, ये आप देख रहे हैं, TOL एंटर। यहाँ से सिंबल ले लेंगे, जिस भी तरीके का हमें सिंबल चाहिए, क्या टॉलरेंस हमें देनी है 0.02 या जो भी, जिस तरीके से भी हमें देना है वो हम दे के उसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिम, काफ़ी यूज होने वाला है, TR एंटर। जिसे भी ट्रिम करना है उस पर जाएंगे और वो हिस्सा अपना ट्रिम हो जाएगा इस तरीके से, देखेंगे। अभी ये जो लाइन है ये दो पार्ट में क्यों ट्रिम हुई है, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर लिया था पहले, जो हमने पहले कमांडो में, तो इस वजह से ये इसी तरीके से ट्रिम हुई है। ओके, नेक्स्ट है इसमें UN एंटर, यूनिट। ड्राइंग की यूनिट है, अगर चेंज करना है उसको, अभी मिलीमीटर में आ रही है, उसको मीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डेसिमल लेंथ, मतलब लेंथ के बाद कितने पॉइंट तक आपको जीरो चाहिए, कितने पॉइंट तक आपको डायमेंशन चाहिए, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी हमें करना है उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें है लास्ट XL एंटर। इसको देख लेते हैं, H एंटर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी इन्फिनिटी लेंथ इसमें ड्रॉ हो गई है इस तरीके। ये टूल यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन लाइन इसको बोलते हैं। ओके, अगर हमें किसी बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे भी हमने ये लाइन लगा ली है और हमें कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जैसे अभी हम देख लेते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल ये रखा हुआ है, एक रेक्टेंगल ये रखा हुआ है, तो उन सबको अलाइन करना है, तो सिंपल उसको मूव कर सकते हैं या अलाइन कर सकते हैं इस लाइन के साथ में। ठीक है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं उसको अलाइन करना है, तो इस कमांड का बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा पार्ट टू ख़त्म हो गया है, जिसके अंदर हमने 2 और 3 पॉइंट्स के जितने भी कमांड्स थी वो सब देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 में हम करने वाले हैं पूरा, इसके अंदर जो भी कुछ हमारा बच गया है, जो शॉर्टकट में नहीं आया है, या जो भी टूल वाइज है, और किस तरीके से लेयर्स वगैरह, मतलब कंप्लीट उसमें हम जानेंगे किस तरीके से उसका यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर। ओके, सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, एंड थैंक यू एंड गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।